वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश मैं बहुत दिनों से एक वीडियो आपके लिए बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझे पता है कि यू कैन से कि बहुत लोगों को नहीं बच्चों नहीं बहुत लोगों को भी नहीं पता रहता है कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि मैं आई वॉज़ बिजी विथ स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बट आज मैंने सोचा कि नहीं आज मैं ये वीडियो बना के ही आपके लिए रहूँगी सो so, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरीज में आएगा द वर्ड्स आर इनवेंट एंड डिस्कवर सबसे पहले आप इसका हिंदी मीनिंग समझ लो डिस्कवर का मतलब होता है खोज खोज करना यानी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो चीज ऑलरेडी है उसको डिस्कवर कर दिया गया उसकी खोज कर दी गई हाउ एवर का मतलब होता है आविष्कार कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ओके यानी जैसे आपको उस चीज़ का जरूरत पड़ता है तो आप सोचते हो उस चीज को इन्वेंट करना तो इतना तो आपको मतलब पता चल गया डिस्कवर का मतलब क्या है खोज चीज़ ऑलरेडी है ओके दैट थिंग एग्जिस्ट्स बट उसको उसकी खोज की गई हाउ एवर इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार कोई नया चीज बनाना या लाना ओके okay? अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबसे पहले हम डिस्कवर से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर एंड इन्वेंट कैसे बोल सकते हैं अमेरिका ऑलरेडी था बट अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलम्बस ओके सो इससे हम कैसे बनाएंगे कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका वी ऑल्सो नो दैट इंडिया by डिस्कवर्ड बाई वास्को So सो वास्को Di Gama डिस्कवर्ड इंडिया राइट एक और हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हम डिस्कवरी से या डिस्कवर्ड से देख लेते हैं आपको पता ना व्हाट इज रेडियम रेडियम रात में चमकता है अंधेरे में चमकता है सो so, इसको डिस्कवर किया गया था बट इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मैडम क्यूरी तो हम क्या बोलेंगे मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम नेक्स्ट देख लेते हैं पेंसिलिन एक ड्रग है दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई एलेग्जेंडर फ्लेमिंग राइट सो यू कैन सी एलेग्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन एक और लास्ट देख लेते हैं आप साइंस में सारे बच्चे पढ़े होंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी दैट इज अ वेरी पॉपुलर लॉ इसको पता है किसने डिस्कवर किया था मेरे बताने से पहले आपको ही पता होगा क्योंकि आप सबके सबको ये आंसर पता होगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई सर इजैक न्यूटन सो so आई होप आपको डिस्कवर समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस अब हम इन्वेंट देख लेते हैं इन्वेंट का मतलब क्या हुआ आविष्कार करना और ये फ्रेज आप नहीं भूल भूलिएगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन तो अगर सबसे पहले इन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं ना बेटा तो ये जो लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये शुरू से इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था इसको इन्वेंट किया गया था एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन तो हम क्या बोले बोलेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब राइट उसके बाद इन्वेंसर देख सकते हो जो हम रेडियो सुनते हैं कि अब तो इस ज़माने में रेडियो ख़त्म हो गया है बट हमारे मम्मी पापा दादा दादी इन लोग रेडियो से ही अपने आप को एंटरटेन करते थे जिसपे गाना और न्यूज़ सुनते थे सो so, ये जो आ, रेडियो है जिसपे हमारे मम्मी पापा या दादा दादी गाना सुनते थे न्यूज़ देखते थे सो दैट वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड किसने इन्वेंट किया था मार्कोनी सो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो ओके एक और देख लेते हैं टेलीविजन जो आप देखते हो दैट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट राइट सो टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई जे एल और यू कैन से जे एल इन्वेंटेड इनवेंटेड द टेलीविजन मैथमेटिक्स की अगर बात करो जीरो जो नंबर होता है राइट दैट वाज इन्वेंटेड बाय आर्या सो इसको हम कैसे बोलेंगे आर्या भट्ट जीरो लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं फिफ्थ वन ये जो एरोप्लेन पे हम चढ़ते हैं और क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है कहाँ आपको दो तीन दिन लगते थे बेंगलोर जाने में और अब आप छः घंटे में फ्लाइट से आप बेंगलोर पहुँच सकते हो तो आप क्या बोलोगे राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन और द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाई द राइट ब्रदर्स सो आज से आज के बाद मुझे लगता है कि आप डिस्कवर और इन्वेंट में कंफ्यूज नहीं करोगे गलती नहीं करोगे गलत नहीं बोलोगे सो so, इंग्लिश के लिए चाहे वो रिटेन हो स्पोकन हो ग्रामर हो लिटरेचर हो क्रिएटिव राइटिंग हो कीप ऑन फॉलोइंग माई चैनल दैट इज़ लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश थैंक यू एवरीबडी